अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंदिर वही बनाएंगे, 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 मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, 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 जिला हिसार के कस्बा बरवाला में आज भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल के प्रांगण में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने हेतु धर्म प्रेमियों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए विराट धर्म सभा शंखनाद के बरवाला क्षेत्र के संयोजक साधुराम जाखड़ ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने मंदिर निर्माण का वायदा किया था और आज भूल गई है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार राम मंदिर का निर्माण अवश्य करे, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अयोध्या में प्रस्तावित भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सभी देशवासियों से आह्वान है कि सभी अयोध्या के अंदर पहुँचें और भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये हमारे श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम ने हमारी मर्यादाओं को स्थापित किया है और इनका भव्य मंदिर बहुत दिन से प्रस्तावित है, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और कुछ लोग कहते हैं भी मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों, और पाकिस्तान में थोड़ा ही बनेगा। ये हमारी आस्था का केंद्र है और अयोध्या के अंदर भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनेगा। सभी तैयारियां हो चुकी हैं और सरकार से भी बार बार आह्वान किया गया है कि सरकार अपने प्रयासों से नियम बनाकर इसका निर्माण करे, और नहीं तो ये इस देश की जनता राम भगत लोग अयोध्या के अंदर सभी इकट्ठे होंगे और राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। इस अवसर पर विक्रम गुप्ता ने कहा कि 9 दिसंबर को प्रातः 10 बजे हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में विराट धर्म सभा शंखनाद का एक सम्मेलन किया जाएगा। इस सभा में बरवाला के आसपास के सभी राम भक्त भारी संख्या में पहुंचेंगे। जय श्री राम। मैं यहां पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, इस प्रेस वार्ता के अंदर एक हिंदू सभा का जो आयोजन किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर, मैं सभी बरवाला वासियों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके श्री राम मंदिर निर्माण के अंदर हमारा जो भी योगदान है हम उसे दें और पहुंच करके ये दिखाएं कि हमने इतनी संख्या के बल से हम यहां पहुंचे हैं। कल को अगर अयोध्या के अंदर हमारे को जाना पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं और पहुंच करके ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है, वहां जाकर के ईंट रखने में भी सक्षम है। हमारे से जैसा भी होगा, धन का, मान का, काम का, जो भी हमारे से दान होगा, शर्म होगा, हमारे से जितना भी करेंगे वहां पे बैठ करके रहेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो सभी हिंदू पहुंच करके वहां मंदिर निर्माण करेंगे। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बारे में अध्यादेश ला करके भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि वहां पे जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके अनुरूप हम पूजा पाठ कर सकें। जिस सरयू नदी के अंदर हिंदू के तारण द्वार भगवान राम ने खुद अपना तार किया था।
इस अवसर पर अपने संबोधन में सत्यवान शास्त्री ने कहा कि ये सभी साथी इकट्ठे होकर बरवाला और आसपास के मंदिरों और धर्म स्थलों में जाकर लोगों को राम मंदिर निर्माण कराने बारे में प्रेरित कर रहे हैं और सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की भी अपील कर रहे हैं। आज यहाँ पर मीटिंग की गई है, सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। 9 दिसम्बर को पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर ज्यादा से ज्यादा बरवाला से मतलब हजारों की संख्या में धर्मसभा के अंदर पहुंचने के लिए ये आज मीटिंग बुलाई गई है। अगर अब मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कब होगा? अगर कोर्ट देर करती है तो अध्यादेश ला करके मंदिर का निर्माण जरूर करना चाहिए। ये हमारे हिंदू तत्व की मांग है, साधु संतों की मांग है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इस अवसर पर सह संयोजक ओम प्रकाश मनचंदा, टेकचंद मुदगिल, प्रदीप जलधरा सहित चांदीराम नैन, संजीव सिंगला, होम सिंह पुनिया, सुरेश भैनी बादशाहपुर, नवीन सोनी, राजदीप नैन, विजेंद्र सांगवान, विजेंद्र सरपंच गुराना, दिनेश गुराना सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बरवाला से कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।